तो हमारी है एक्स वाई जेड कंपनी, और हमारी कंपनी क्या करती है, वेबसाइट डेवलपमेंट करती है। ओके, तो अभी हमारे पास है कुछ प्रोजेक्ट्स, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आए, ठीक है। अभी हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपनी आया, समझो ई कॉमर्स कंपनी है कोई, तो ई कॉमर्स यानी क्या होता है, शॉपिंग मतलब वेबसाइट। ये जो अमेजन है ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वेबसाइट हमें बनाने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट में उन्होंने हमें काम बताया, मतलब उनको क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उनको एक पूरा प्रॉपर वेबसाइट चाहिए उनको, तो वेबसाइट रहेगा डिटेल में, किधर है एक मिनट, ठीक है। तो उनको एक प्रॉपर वेबसाइट उनको चाहिए, ठीक है। तो वेबसाइट चाहिए तो एक वेबसाइट रहेगा, तो उसमें उनको वो जो मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं सारे चाहिए उनको। उनके कुछ कैटेगरीज है उन्होंने हमें बताया, हमारे पास है एक तो है फुटवियर, दूसरा बताया क्लोथिंग, तीसरा बताया और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने अभी क्या दिया कि हमारा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। होम अप्लाइंस है और है ग्रोसरीज। ओके, ग्रोसरीज हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। तो उसने क्या बोला हमें, हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट में मतलब एक एक प्रोजेक्ट में हमें इन तीनों को आप डेवलप करके दो, मतलब ये पूरा वेबसाइट रेडी होना चाहिए, उसमें ये तीन के सारे डिटेल्स उसमें होने चाहिए, और कोई भी हमारा यूजर जाएगा तो उसको सारे डिटेल्स उसको दिखने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो अभी हमें बता दिया कि ये हमें चाहिए, तो इतना जैसे हमें मालूम पड़ा, फिर क्या किए हम लोग आ गए ठीक है। इतना जैसे हमें मालूम पड़ गया, फिर हम क्या किए, आए इधर एस्टिमेट करने के लिए, क्या करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। तो हमने देखा इन्होंने सारा डिटेल्स हमें दे दिया, मतलब एक एक कैटेगरी बोला तो उसमें क्या क्या लगेगा, उसने हमें सारा डिटेल्स हमें दे दिया। तो फिर हमने क्या किया, वही सब से हमने एस्टिमेट करना चालू किया, ठीक है। हमारा एस्टिमेट क्या है, इसमें तीन हमें पूछा था वो लोग ने, क्या पूछा था, एक तो मैंने क्या बताया था, फुटवियर हो गया, फिर उसका मैंने बोला था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर क्लॉथिंग। इसके हिसाब से हमने एक एस्टिमेट बनाया कि ये सारा वेबसाइट, इसमें क्या क्या चीज होगा, वेबसाइट डेवलप होगा, पहले नॉर्मल पेज बनेगा, उसके बाद इन तीनों के लिए सब पेजेस बनेंगे, ठीक है। तो हमने इसके हिसाब से पूरा एस्टिमेट बनाया, तो हमें मालूम पड़ा कि ये जो है, ये जो काम है, इस काम में हमें टोटल नंबर ऑफ हावर्स कितने लगेंगे। तो वो लोग ने कैलकुलेट करके उन्होंने डिसाइड किया, ये पूरा काम करने के लिए हमें कितना कितने कितने नंबर ऑफ डेज जाएंगे, हमें जाएंगे 280 डेज। समझ में आ गया, ये पूरा काम करने के लिए हमारा एस्टिमेट है 280 डेज, ठीक है। तो ओके, अभी समझो ये काम, ठीक है, हमें एक अंदाजा आ गया, इतना इतने दिन में ये चीज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होगा।
अभी जब हमें ये चीज़ मालूम पड़ गया तो तुम क्या बोलोगे उसको, हमको 280 दिन लगेगा, ठीक है? तो तुम अभी अगर समझो ये चीज़ तुमने ऐसे सोच के तुमने क्या कर दिया, आज का डेट तो ये और तुमने बोल दिया 280 दिन लगेगा यहाँ से। तो क्या हो गया, आपने तो अंधाधुंध आप लोगों ने ये चीज़ बोल दिया, आप लोग ने एग्रीमेंट कर दिया। तो 280 डेज अगर हम बोलते हैं, देखो मैंने क्या किया, सिंपल देखो मैंने क्या किया, सीधा हमारा डेट लिया, उसको प्लस कितने नंबर ऑफ डेज हमें ऐड करना है, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे भी डेट ऐड होता है, ठीक है? तो ये अभी क्या किया, 280 डेज डेज के बाद कौन से दिन को ये हमारा डेडलाइन जो रीच होता है, हम यहाँ पे वो बता रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब डेट ऑफ डिलीवरी ये हो गई, ये क्या हो गया, डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब ये दिन को हम डिलीवर करेंगे, मतलब आपका प्रोजेक्ट, आपका जो वेबसाइट है, आपने जितने कैटेगरीज पूछे हैं बताए हैं, तो वो सब इस पर्टिकुलर डेट को रेडी हो जाएंगे, ठीक है? वेबसाइट आपका रेडी रहेगा। तो आपने ये किया, फिर आपने एग्रीमेंट लिखा कंपनी के साथ, एग्रीमेंट किया, सब हो गया। फिर जब आप रियल काम करना चालू किए तो आपको मालूम पड़ गया कुछ तो गलत हुआ इसमें, ठीक है? क्या गलत हुआ अभी देखो अच्छे से। मैं अगर 280 डेज, अगर 280 डेज बोलता हूँ, ठीक है, 280 डेज यानी 350 डेज, मतलब कितना, पूरे ईयर के लिए और 2 महीना बचा, मतलब ठीक है, 280 डेज यानी आसपास 10 मंथ्स होता है, ओके? अगर एवरेज हम मंथली हम 30 डेज अगर हम बोले तो भी देखो 9.3, 9.5 महीना होता है, मतलब पूरा। अभी हमने उसको बता तो दिया ये पर्टिकुलर डेट को आपको दे देंगे, लेकिन आप एक चीज तो आपने कंसिडर ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि आपकी कंपनी हफ्ते में 7 दिन थोड़ी काम करती है। नहीं, 6 डेज, या 5 डेज, तो कुछ कंपनी क्या करती है, 6 डेज वर्क करती है, कुछ कंपनीज क्या होती है, 5 डेज वर्क काम करती है, ठीक है? तो अभी आपने ये चीज आपने कंसीडर ही नहीं किया और आपने सीधा एग्रीमेंट लिख दिया, तो इसमें क्या हो गया आपका आसपास, आपका मतलब अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक हफ्ते में, एक मंथ में पकड़ लो 5 वीक्स समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, 9.3 आया ना, मैं 9.5 पकड़ता, ठीक है, 9 ही पकड़ते हैं चलो, तो एक 1 मंथ में 5 वीक्स होते हैं, ठीक है? तो इसे देखने जाएंगे इनटू कितना, 45 डेज। अगर एक वीक डे हमारा ऑफ है, 6 डेज अगर हम काम करते हैं, वीकेंड हमारा एक दिन का है, तो 45 आवर्स का आपने गलत दे दिया, मतलब कम दे दिया, मतलब अंडर एस्टिमेट दे दिया आपने, मतलब एक्चुअली 280 नहीं होता, 280 प्लस 45 रहता अगर ये 6 डेज वर्किंग रहता। अगर हमारा 5 डेज वर्किंग है तो ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, इसका मतलब 90 डेज हमने कम दे दिया, मतलब इसमें ये एक्चुअली क्या होता, 280 प्लस 90 होता है, ये मतलब कितना, देखो 280 और ये भी 280, अगर 6 डेज वर्किंग रहेगा मेरा तो मुझे ये एस्टिमेट देना चाहिए था, 325 डेज बताना चाहिए था। अगर मेरा 5 डेज वर्किंग है तो उसको 370 डेज उसको बताना चाहिए था, ठीक है? तो मैंने इधर क्या कर दिया, 280 डेज बता दिया। तो इससे एक्चुअली देखो अभी एक्चुअल हो क्या गया है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अभी अभी समझो, यहाँ पे मैं अभी उसी तरीके से, मैं अगर यहाँ पे 325 करता हूँ तो क्या हो गया, ये देखो ये जून का डेट आ रहा था, जून 18 आ रहा था, आगे अभी क्या हो गया, मतलब 2 अगस्त डेट आ गया हमारा, मतलब 2 महीना आगे चला गया है, किससे, सिर्फ इससे, सिर्फ 6 डेज वर्किंग हमें कंसीडर करने से। अगर मैं 5 डेज वर्किंग कंसीडर करता हूँ ना इसको, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, और आगे जाएगा, मतलब हमारा डेट क्या कहाँ जाएगा, और आगे जाएगा। तो ये क्या बोलता है, सितंबर 16, 16th सितंबर, ये क्या बोल रहा है, अगस्त, 2 अगस्त,
ये किस लिए है? ये है 6 days working के लिए। अगर हमारा कंपनी 6 days working है तो ये हमारा एस्टिमेट रहेगा। अगर हमारा कंपनी 5 days working है तो हमारा एस्टिमेट ये डेट होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, गलती से हमने ये वाला डेट उसको दे दिया, मतलब क्या 18 जून हमने दे दिया उसको, बराबर। ये क्या हो गया, 16 सितंबर हो गया। एक्चुअली होना चाहिए ये डेट, लेकिन मैंने उसको कितना महीने पहले का डेट दे दिया, 3 महीना पहले। अगर तुमने कोई भी काम है वो अगर लगने वाला है मतलब एक्चुअली 1 साल लगने वाला है, ठीक है, और मैंने उसको बोल दिया कि 9 महीने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप एक 10 दिन 5 दिन अगर डिफरेंस रहता, अगर आपने गलत बोला रहता तो क्या होता, 5-10 दिन आप दिन रात बैठ के काम करके वो चीज़ कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा डिफरेंस रहेगा तो वो डिलीवर हो सकता है क्या? बहुत रिस्की है ना तभी ऐसे चीजें डिलीवर करना ऐसे टाइम पे, ठीक है, इतना मतलब कम हो ही नहीं सकता वो, तो कैसे भी आपके डिलीवरी में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम जो चीज करने वाले हैं वो आपको इसी तरीके के प्रोजेक्ट एस्टिमेट और ये सब चीज पे काम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा देखो, अभी कैसे हेल्प करेगा देखो, अभी हम यही एग्जांपल अभी हम लेते हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पे, हमने कैलकुलेट किया और हमें क्या बता रहा है, 280 डेज, ठीक है, 280 डेज। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, एक नया शीट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डेटा डाल दिया। ये क्या है, टुडे, आज का डेट, ठीक है, और हमें डेज ऑफ एफर्ट मतलब कितने दिन का काम है, ठीक है, बराबर। अभी हमें देना है इसको डेट ऑफ डिलीवरी। डेट ऑफ डिलीवरी मतलब क्या, कभी तुमको तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी मिल जाएगा, ठीक है। 280 डेज अगर हम बोलते हैं, 280 डेज, तो हम जो डेट ऐसे जो कैलकुलेट कर रहे थे ना प्लस ये, तो इसमें क्या होता है, ये सैटरडे संडे फेस्टिवल हॉलीडे सब कुछ नहीं देखता है तभी, बराबर, क्लियर। तो ये सीधा आपको आज का डेट प्लस 280 डेज ऐड करके आपको दे देगा। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूलास है, वो क्या करेगा, इन सब चीज को कवर करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर हम अभी समझो ये नवंबर 11th नवंबर है, ठीक है, अगर मुझे ऐसे अगर कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं रहता तो क्या रहता, हमें कैलेंडर देख के एक एक दिन काउंट करके हमें देना पड़ता। हाँ, इस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब काम तो कल से चालू होगा, ठीक है, तो कल का दिन परसों का दिन ऐसे काउंट करके फ्राइडे तक, फिर ये 2 दिन नहीं गिनने का, फिर ऐसे जाने का आगे, फिर ऐसा, फिर उसमें उसके बीच में जो फेस्टिवल्स आएंगे, ये सब चीज़ कंसिडर करके 280 डेज कहाँ तक काउंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर के, तो वो चीज़ हमें देना पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारे पास है अभी फॉर्मूला जो क्या करेगा, ये सब चीज जो अभी हमें मैनुअली करना पड़ता था ना, तो उसको वो एलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो वो क्या है अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या है, वर्क डेज, वर्क डे, ठीक है, फॉर्मूला का नाम क्या है, वर्क डे, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं जब टैग करूंगा ये मुझे बताएगा स्टार्ट डेट बताओ, मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्टार्ट डेट दिया कॉमा, उसके बाद ये क्या बताएगा आपको, कितने नंबर ऑफ डेज आपको ऐड करने हैं इसमें, मैंने बताया 280 डेज ऐड करने हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये हमें पूछेगा हॉलीडेज, मतलब कुछ छुट्टियाँ बिट्टियाँ है क्या, अभी मैं बोलता हूँ मेरे पास अभी कुछ डेटा नहीं है उसके लिए, तो मैं एंटर करता हूँ। तो अभी देखो, इससे पहले ये जो था, अगर यहाँ पे पीछे देखने जाओगे,
यहाँ पे भी हमने 280 डेज ही हमने ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या डेट आया, यहाँ पे डेट आया जून 18, लेकिन यहाँ पे क्या कौन सा डेट आया, यहाँ पे आया 10th, मतलब अक्टूबर, 6th अक्टूबर आया यहाँ पे। कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना। वहां पे ये डेट था, देखो कितना डिफरेंस है। अगर ऐसे भी सिर्फ डिफरेंस तुम देखने जाओगे, तुमने कितना डेज का, 110 दिन का आपने गलत एस्टिमेट दिया आपने, तो इससे कितना नुकसान हो जाएगा कंपनी का। अभी समझो सिंपल, और एक चीज भी आपको बताता हूँ, आपने कोई भी कंपनी जब वो कोई भी काम उसके पास आता है, प्रोजेक्ट आता है, वो क्या करता है, सबसे पहले तो एस्टिमेट निकालता है कितने दिन का काम लगेगा, कितना दिन लगेगा उसमें वो चीज करने के लिए। तो समझो 280 दिन, ठीक है, 280 दिन लगेगा, बराबर, ठीक है। तो उसने क्या किया रहेगा, 280 दिन बोला तो उसने एस्टिमेट बनाया रहेगा कि ये 280 दिन कैसे, मेरे पास है 4 डेवलपर और एक टेस्टर है और एक डीबी है, तो इतने सारे लोग हैं। तो टेस्टर का, एक टेस्टर की सैलरी होती रहेगी, एक टेस्टर की अगर एक दिन की अगर बोलने जाए तो हम ऐसे पकड़ दे 1000 रुपीज पकड़ दे, तो क्या हो गया, 4 टेस्टर का क्या 4000 हो गया एक दिन का ही, ठीक है, मतलब 4 डेवलपर्स का इतना हो गया। अब टेस्टर का, एक टेस्टर का 800 है पर डे और डीबीए का 1000 है, ठीक है। डीबीए यानी वो डेटाबेस पे जो काम करता है वो वाला बंदा, ठीक है, तो एक डीबीए वाला बंदा है, तो इसका मतलब, और इसके अलावा मैनेजर जो खुद कंपनी संभालता है वो, तो वो खुद का वो डालेगा, खुद का एक दिन का 2000 वो ऐड करेगा। तो ये सब वो जब ऐड करेगा, एक्चुअली कोटेशन कैसे बनता है, ये चीज ऐसे बनता है, समझो इसको अच्छे से, कॉस्ट पर डे, ठीक है, ये क्या आ गया, कॉस्ट पर डे, कितने नंबर ऑफ डेज, डेज ऑफ एफर्ट कितना है, 280 है, तो टोटल कॉस्ट ये हो गया 7800 × 280। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये कोटेशन है। अगर इस पे अगर इसका कोई टैक्सेस विक्सेस लगता है तो 10% जो भी अगर टैक्सेस लगता है तो वो टैक्सेस बताएगा, नहीं तो एक्चुअली ये कोटेशन हो गया, कितना हो गया, 21,84,000, ये कोटेशन हो गया। हमने उनको कोटेशन दे दिया कि ये पूरा रेडी करने के लिए हमारे इतने लोग काम करेंगे, उसके बेस पे आपका 21,84,000 पूरा इसका खर्चा होगा, ठीक है। ऐसा होता है, कोई भी कंपनी का कोटेशन कैसे निकालते हैं ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी समझो मैंने क्या किया, 280 पकड़ा यहाँ पे, 280 दिन डेज का मैंने ये कर दिया, बराबर, मैंने उसको बोल दिया गलती से 280, लेकिन मैंने सैटरडे संडे पकड़ा ही नहीं। तो अभी क्या हो गया, एक्चुअली सैटरडे संडे पकड़ने के बाद मालूम पड़ा ये 1060, मतलब इतना हो रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, अभी समझो आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो सैटरडे संडे नहीं काम करते हो तो उस पर्टिकुलर डेज का आपका सैलरी कट के आता है क्या, नहीं आता है ना, वीकेंड का भी इंक्लूडेड ही रहता है ना। तो एक्चुअली क्या था पता है, यहाँ पे गलती क्या हो गया पता है, आपने दिया 280, एक्चुअली वो होता था 390। अभी देखो यहाँ पे कोटेशन आपने कितना कम दिया, एक्चुअली ये 390 होना चाहिए था, ठीक है, ये पर डे का तो इतना ही है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 280 के जगह इसको मैं 390 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने कितना कम दिया कोटेशन बताओ, अभी मैंने आसपास 9 लाख का कोटेशन कम दिया यहाँ पे, कितना, 8.5 लाख मैंने अंडर कोट किया, मैंने गलत कोटेशन दिया, इतना कम दिया मैंने कोटेशन। तो इसका मतलब क्या है, एक तो सबसे पहले देखो ऐसे बड़े काम में कैसा रहता है, आपने एक बार डेट दिया उस डेट को उसको देना ही रहता है, ठीक है। और एक दूसरी बात, अगर आपने गलत कोट दिया, अगर आपने कुछ और किया तो वो आपका लुकआउट है। इसमें क्या होता है,
एग्रीमेंट वो ये सब रहता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप कोई गलती करोगे तो फिर आपको ही भुगतना है, क्योंकि ये छोटी बात थोड़ी है। अभी समझो, अभी इसने हमारे पास ये कोटेशन लिया और इसने क्या किया, फिर साइन कर दिया, प्रोजेक्ट साइन कर दिया। प्रोजेक्ट साइन करने के बाद फिर क्या हुआ, टीएम रहेगा आगे, मतलब जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, जो कंपनी का प्रोजेक्ट आया, तो वो तो उसको बहुत जगह उसने बताया रहेगा ना, ये पर्टिकुलर डे को अपना रेडी हो जाएगा और ये हमें कोटेशन दिया है और ये कंफर्म, ठीक है। वो आगे भी कम्युनिकेट करेगा, उसके हिसाब से उसका और आगे का बहुत सारा काम रहेगा, वो सब चालू हो गया रहेगा, बराबर। तो इसके अगर ये नहीं डिलीवर करेगा ना, तो उसको बहुत सारा नुकसान उसको भी है, तो इसके लिए वो बियर नहीं करेगा। अभी क्या हो गया, इसके वजह से एक तो पहले तो अंडरकोट किया, 30 लाख का आपने 21 लाख का आपने कोटेशन दे दिया, बराबर, और आपने कितना 3 महीना पहले का डेट दे दिया आपने। एक तो हमें पैसा, पैसे में तो नुकसान हुआ ही, और 3 महीना मतलब हमने कम टाइम मांगा, एक्चुअली लगता था 1 साल, हमने उनको बताया 9 महीने में हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे कोटेशन हमने सैटरडे संडे तो ध्यान में ही नहीं दिया, तो उसके हिसाब से हमने 9 महीना बोला। लेकिन बाद में अगर जब रियल काम करने गए तो मालूम पड़ा, अरे ये तो 12 महीने का काम है, हमने 9 महीना दिया। तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल समझो, इसमें क्या करना पड़ेगा उसको, इसके पास कितने डेवलपर थे, मैंने बताया 4 डेवलपर, टेस्टर कितने, 2, और डीबीए वाला गाई 1। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, सब में एक एक बढ़ाना पड़ेगा, डेवलपर एक बढ़ाना है उसको, टेस्टर एक बढ़ाना है, यानी तो डेवलपर 2 और टेस्टर 1 बढ़ाएगा तो तभी होगा उसका काम। अभी आप सब, आप लोग समझो इसको, इसने कितना बड़ा नुकसान किया सिर्फ एक गलती के वजह से। अभी एक इसका कॉस्ट इतना होता अगर इसका जैसे इसने प्लान किया उस हिसाब से करता, तो अभी ये चीज क्या होगा, इसका 2 टेस्टर बढ़ जाएगा, मतलब 2 डेवलपर बढ़ जाएगा, 2 डेवलपर बढ़ गया और 1 टेस्टर बढ़ गया, टेस्टर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी ये टोटल 6 हो जाता है, अभी ये हो गया अभी 6000 और ये हो गया अभी 1600। तो अभी इसका पर डे कॉस्ट ये था, अभी उसका पर डे कॉस्ट इतना हो गया, ठीक है। अभी यही पे काम पूरा खत्म नहीं होता, अभी देखो अभी इसको कितना, मतलब कितने दिन काम कराना पड़ेगा उसको, 390, उसने गलत लिखा 280, अभी इसका क्या होगा, नहीं नहीं अगर अभी इसने लोग बढ़ाए तो उतने दिन में काम हो सकता है ना, इसके लिए तो लोग बढ़ाए ना, एक्चुअली लगता था 390 दिन, मैंने जो बताया आपको कैलकुलेट करके, इस पूरे काम को करने के लिए लगता है 390 दिन अगर इतने ही लोग से काम करवाएगा, बराबर। तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, इसको अभी करना पड़ेगा, ये लोग बढ़ा दिए तो अभी 280 दिन में ही काम हो जाएगा उसका, लेकिन पैसा कितना बढ़ गया वो देखो अभी, दिस इसको क्या हो गया, पहले तो ये जो नुकसान, तो ये तो हो गया, ये जो नुकसान है ना, ये नुकसान तो उसको हो गया, इधर का नुकसान हो गया, इसके अलावा उसको क्या क्या लॉस हो रहा है पता है, इसके अलावा इसको हो रहा है ये वाला लॉस। अभी आप लोग समझो इसका प्रोजेक्ट कितने का था और इसका लॉस कितने कितना है, कितना लॉस है इसका, 16 लाख का लॉस है, प्रोजेक्ट कितने का है, 21 लाख का, बराबर। 21 लाख के प्रोजेक्ट में इसको 16 लाख का लॉस हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एक सिंपल चीज, मतलब उसने वो चीज ध्यान नहीं दिया, समझ में आया। तो आप समझो इस इन चीजों का कितना वैल्यू होगा इसमें, अभी एक अभी आप लोग समझो, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हमने, वर्क डे। वर्क डे एक्चुअली क्या करता है, अभी देखो
वर्कडे क्या करता है, आपके पास से एक पहले क्या लेगा, आपको आपको स्टार्ट डेट मांगेगा, ठीक है? पहले मांगेगा स्टार्ट डेट, उसके बाद बोलेगा कितने नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं, ठीक है? तो फिर उसके बेस पे ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इतने दिन को ऐड करके सैटरडे संडे को निकाल के, फिर कौन सा डेट आपका आता है। इसका मतलब अभी देखो, आपको अभी भी ये चीज समझ रहे हैं या नहीं, अभी समझो एक सिंपल एग्जांपल आसपास का ही देखते हैं अभी, ठीक है? आज का डेट क्या है, ये है टुडे है, ये हो गया। अभी मैं इसको खींचता हूँ थोड़ा सा नीचे, इतना ही, ज्यादा नहीं, लेकिन डेट ऐड नहीं हुआ, ठीक है? ऐसे करते हैं, ठीक है? अभी डेट्स आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूला है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डी वीक डे लेके आता हूँ, याद है? बराबर। अभी हमारा डेट क्या है, आज का डेट, ठीक है? अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली 5 दिन का काम है, 5 दिन का काम है। 5 दिन का काम बोलेंगे तो कितना होता है, पांच दिन का काम बोलेंगे तो इतना दिन का काम हो गया, मतलब आपको वैसे दिखाने के लिए इतना दिन का है, ठीक है? लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? 5 दिन का काम अगर आपको बोलना है, 5 दिन नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, 7 डेज का काम। सपोज हमारा काम 7 डेज का है, हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उसका हमने एस्टिमेट बनाया 7 डेज का काम है ये, ठीक है? तो आपने ऐसा बनाया, लेकिन आपने दिया ये वाला एस्टिमेट, इसका मतलब उसको बोल दिया इतने दिन काम होगा और ये वाले दिन आपका प्रोजेक्ट रेडी मिल जाएगा, आपको आपको मिल जाएगा, बराबर। लेकिन तुमने इसमें बहुत सारा गलती किया, इसमें इसमें तुमने कुछ नहीं देखा, कौन सा वीकडे है कुछ नहीं देखा। अभी अगर ये चीज अगर आप सही तरीके से करने जाओगे, अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो है ये वीकडे है, वीकेंड डे है, और ये दोनों भी वीकेंड है, बराबर। तो इसका मतलब ये 5 दिन हो गया, इसके बाद ये 2 दिन, एक्चुअली डेट आपको देना चाहिए ये वाला डेट। इसमें आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक प्रोजेक्ट आया, आपने एस्टिमेट किया 7 डेज लगेंगे, तो आपने क्या किया, 7 दिन के बाद का डेट आपने दे दिया, ये पर्टिकुलर डेट को आपका काम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ गया, मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो एक्चुअली उसका पूरा पूरा मतलब ये है। तो मैं जो जो 7 डेज का वर्क है, अरे आज का दिन तो काम होगा ही नहीं, आज तो संडे है, ठीक है? और मैं आगे ये काउंट करते जाऊंगा, अगर ऐसे मैं काउंट कर दे जाऊंगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये 6वां दिन ये क्यों होगा, यहाँ पे इस दिन तो हम काम ही नहीं कर रहे, तो ये होगा नहीं, तो यहाँ पे ये 6th डे होगा, ये 7th डे होगा, और ये डेट को हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेट ऑफ डिलीवरी बता सकते हैं उनको, बराबर। तो ये क्या हो गया, 3 दिन हमने गलत गिना, इसका मतलब। तो ये अभी जो मैं एग्जाम्पल जो बता रहा था अभी तक, ये उसी उसी चीज पर डिपेंड करता है, मतलब उसी चीज को मैं बता रहा था, ठीक है? इसका मतलब क्या करेगा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डे, यही वर्क डे जो है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डे, मैं उसको आज का दिन दिया, उसके बाद उसको मैं नंबर ऑफ डेज बोलता हूँ, मैं 7 बोलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अभी एग्जैक्ट दिखाएगा नहीं, देखते हैं अभी उसने हमें क्या दिया, 7 डेज ऐड करने से इसने हमें एक डेट दे दिया, कौन सा डेट है देखते हैं अभी। इसने क्या बताया, मैं एग्जैक्ट कौन से डे को कंप्लीट होगा वो बता रहा है, लेकिन बराबर बताइए या नहीं, ये सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके इसने हमारा बराबर काउंट दिया या नहीं, बराबर। अब एक और एक चीज समझो, अभी अभी समझो ये जो 14th नवंबर है, समझो ये था छुट्टी का दिन था, ये मतलब पब्लिक हॉलीडे समझो ये, ठीक है? तो पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो भी कोई काम नहीं करेगा उस दिन, बराबर। तो अगर हमने यहाँ पे सैटरडे संडे तो हमने कैसे तो गिन लिया, लेकिन हमने ये चीज तो मिस ही कर दिया। तो एक्चुअली क्या होगा, इस फॉर्मूला में वो सब चीजें भी इस फॉर्मूला में अवेलेबल है, वो भी फीचर इस फॉर्मूला में अवेलेबल है। किस तरीके का फीचर, अभी देखो अच्छे से। यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्क डे बोला, यहाँ पे दिया इसको स्टार्ट डेट, ठीक है? इसके बाद इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ डेज बताओ, मैंने नंबर ऑफ डेज बताया। इसके बाद ये हमें हॉलीडेज भी पूछता है,
तो अगर हमारे पास हॉलीडे लिस्ट रहेगा तो आप हॉलीडे लिस्ट दे दो। तो यहाँ पे मैंने एक ही हॉलीडे मेरे पास है, अभी मैं इसको क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अभी देखो 20 था इससे पहले हाँ 20 आया था, अभी देखो 21 आया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वर्कडे, ये वर्कडे क्या करेगा, वर्कडे क्या करेगा, इसका सिंटेक्स क्या है पहले तो, वर्कडे स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उसके बाद हॉलीडेज। ये ऑप्शनल है, मतलब जो भी कभी भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ भी दिखता है फॉर्मूलाज के अंदर तो ऑप्शनल रहता है वो, ठीक है। तो ये है हमारा वर्क डे का फॉर्मूला। ये करता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, सर मतलब ये वर्किंग डेज कितना रहना चाहिए, वो कैसा पता चलेगा, क्या कितना फाइव देना, रहेगा क्या, मतलब फाइव एक का 5 बेस रहता है, वर्किंग डेज उसका 6 रहता है। हाँ वही बोल रहा हूँ। अभी अभी वो भी चीज अभी आगे आएगा, आपको वो चीज समझ में आएगा। क्या रहता है इसमें, इस फॉर्मूला में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आपको 5 डेज है, 6 डेज है, आप सब उसमें डाल सकते हो। वो सब दिखाता हूँ मैं अभी। वर्क डेज फॉर्मूला विल आस्क फॉर द स्टार्ट डेट एंड नंबर ऑफ डेज टू एड एंड एक्सक्लूडिंग सैटरडे, हम सीधा वीकेंड्स बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, इट विल गिव यू फ्यूचर ड्यू डेट। समझ में आया? तो ये करेगा क्या, ये आपके पास से डेट लेगा, फिर उसके बाद ये लेगा हॉलीडेज, अगर आप देते हो तो हॉलीडेज भी लेगा, फिर उसके बेस पे ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका ड्यू डे क्या है, ड्यू डेट क्या है आपका, ठीक है। तो ये है वर्क डे। अभी हमारे पास, हमने यही जो अभी किया था उसी में अभी फिर से जाते हैं, इसी में अभी फिर से जाते हैं। अभी देखो, अभी ये पूरा आपको समझ में आ गया रहेगा मेरे हिसाब से। ये हमने गलत दिया था 280, तो एक्चुअली होता ही है 390, ठीक है। एक्चुअली ये कितना हो रहा है, 390। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि एक्चुअली वर्क मतलब नंबर ऑफ डेज तो इतने ही लगेंगे हमें 2 2 2 8 की बराबर, लेकिन ड्यू डेट हमने गलत दिया। एक्चुअली हमने ये डेट दिया, वो डेट नहीं है, एक्चुअली ये डेट उसको बोलना चाहिए हमें, कौन सा, ये डेट, ये सही डेट है। ये हमने क्या किया, सैटरडे संडे एक्सक्लूड ना करके हमने ये वाला डेट दिया, तो ये करेक्ट डेट है, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी हमने ये दे दिया, ये सब ओके है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इसको निकाल देते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, और क्या करेंगे देखो, अभी इसी को अभी थोड़ा सा नीचे लेके जाते, या नहीं तो चलो, ये हमारा हो गया वर्क डे। अभी इसी को कॉपी करके हम आगे लेके जाते हैं, और इसका नाम क्या है, वर्कडे INTL, ठीक है। अभी ये समझो ये क्या है, सेम वही एग्जांपल है अपना, कुछ चेंज नहीं इसमें, ओके। तो यहां पे अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे फॉर्मूला वर्कडे INTL। एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, वर्कडे। अभी हमारा फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे ये है वर्कडे INTL, ओके। टैब
अभी ये हमें क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट, यही हमारा स्टार्ट डेट है करेक्ट। उसके बाद क्या पूछ रहा है, डेज, तो मैं बोल रहा हूँ यही डेज है, मतलब इतने ही डेज लगेंगे हमें काम करने के लिए, 280 डेज। इसके बाद इस वाले फॉर्मूला में हमें ये क्या पूछेगा, आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन देगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, खुद बता सकते हो कि आपका, मतलब अभी देखो कुछ हर कंट्री में अपना अपना डिफरेंट वीकेंड रहेगा, कोई मुस्लिम कंट्री से रहेगा तो उधर फ्राइडे सैटरडे लीव भी हो सकता है, बराबर। तो इस तरीके का कोई भी हो सकता है, बाई डिफॉल्ट सैटरडे संडे रहता है, बराबर। अगर तुम्हारा संडे मंडे भी छुट्टी रहे, मंडे ट्यूसडे रहे, ट्यूसडे वेडनेसडे रहे, थर्सडे फ्राइडे रहे, फ्राइडे सैटरडे रहे, या नहीं तो इतना नहीं, या सिर्फ एक ही दिन रहे, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए ये डेट को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, या नहीं तो मैनुअली लिख देता हूँ 10/16, क्योंकि ये अभी हमें काम में आएगा, ठीक है। वर्क डे स्टार्ट डेट मेरा ये है, डेज मेरे 280 है, अभी मैं वर्क डे लिखा है यहाँ पे, वर्क डे INTL है हमारा, देखो वर्क डे INTL यानी वर्क डे इंटरनेशनल, मतलब ठीक है जो भी है वैसे समझो आप, कॉमा नंबर ऑफ डेज ऐड किए, अभी ये सैटरडे संडे हमें ऑप्शन पूछ रहा है, तो बाई डिफॉल्ट तो मतलब सैटरडे संडे रहता है। अगर आपका सिर्फ संडे ही है समझो किसी का, तो आप अपना जो भी लीव है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। तो ये हो गया, ओके कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है ना, आसपास 2 महीने का डिफरेंस लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे दोनों लीव कंसीडर करके है ये, बराबर। तो इसमें आप एग्जैक्ट आपका कंपनी किस तरीके से काम करता है, तो आप उस बेस पे आपका वीकेंड आप यहाँ पे चूज करके आप वैसा, आप अभी देखो मैं संडे बताया था ना इससे पहले, तो मैं जैसे इसको चेंज करूँगा, ट्यूसडे करता हूँ अभी, वैसे ये हमारा ड्यू डेट भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपका जो भी सैटरडे संडे है आपका छुट्टी, सैटरडे संडे लेके, अभी देखो ये दोनों सेम आया, ये क्यों दोनों सेम आया, क्योंकि वर्क डे जो मैंने फॉर्मूला लिया, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये ऑलरेडी सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। और इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन है, आपको कौन सा दिन आपको चूज करना है, तो वर्क डे और वही वर्क डे INTL का डिफरेंस मालूम पड़ गया अभी आपको क्या है, वर्क डे और वर्क डे INTL का डिफरेंस मालूम पड़ गया, यस सर। ठीक है, वर्क डे क्या करता है, यही पे हम फीचर देखते हैं थोड़ा सा, अभी ये सब चीज की जरूरत नहीं है अभी, संडे बाय डिफॉल्ट हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये